नमस्कार। ईटन आईएएस की सामाजिक मुद्दों की कक्षा में आपका स्वागत है। सामाजिक मुद्दों की इस कक्षा में हम लोग सामाजिक मुद्दों से हमारा आशय क्या है, सामाजिक मुद्दे कहते किसको हैं, इस बात से अपनी परिचर्चा शुरू करते हुए सामाजिक मुद्दों की श्रेणियां कौन सी होंगी इस पर क्रमशः बात करते हुए और अंत में सामाजिक मुद्दों की सिविल सेवा में प्रासंगिकता क्या है इस बात पर अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। उम्मीद होगी कि इतनी चर्चा सुनने के बाद सामाजिक मुद्दों पर आप अपने दृष्टिकोण का निर्माण कर सकेंगे। सबसे पहले सामाजिक मुद्दों से आशय क्या है, अगर इस बात से ही शुरुआत की जाए तो हम एक ऐसी समझ बनाना हमारे लिए जरूरी होगा जिसमें सामाजिक मुद्दा शब्द जब आपसे बोला जाए तो आप ये समझ पाएं कि आखिर इस विषय के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और यहां पर यह क्यों पढ़ना है। सामान्य सा एक शब्द है समाज। समाज का मतलब होता है एक व्यवस्थित इकाई, एक व्यवस्थित निकाय जिसमें बहुत सारे व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। यह समाज दो तरीके से रह सकता है, चल सकता है। एक, इस समाज में रहने वाले व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने अपने नियमों कानूनों के अनुसार रहने का प्रयास करें, या फिर हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं इस समाज में। दूसरा तरीका हो सकता है, हम ऐसी एक व्यवस्था बनाएं इस समाज में जहां उस व्यवस्था के अंतर्गत सारे लोग कुछ नियमों को स्वीकार करते हुए, कुछ आदर्शों को स्वीकार करते हुए साथ साथ रहे। जब हमने भारतीय समाज के लिए एक संकल्पना बनाई कि भारतीय समाज कैसा होना चाहिए, तो हमने भारतीय समाज के लिए दूसरे वाले तरीके को चुना और ये सोचा कि ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसे आदर्श हों जो सबके कल्याण के लिए बनाए जाए, इस कल्याण की अवधारणा में कोई भी व्यक्ति बाहर ना छूटे। इन आदर्शों में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को चुना। इन्हीं आदर्शों में हमने समानता के महान आदर्श को चुना। इन्हीं आदर्शों में हमने व्यक्ति की मानवीय गरिमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया और ये माना कि अगर हम एक ऐसा समाज बना पाने में कामयाब हों जिसमें व्यक्ति की मानवीय गरिमा को महत्व मिल सके, सभी लोगों को समानता मिल सके, सामाजिक न्याय, आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके, तो यह समाज सबसे उत्कृष्ट समाज होगा। यद्यपि साथ साथ हमने यह भी ध्यान रखा कि ऐसे समाज में सबको महत्तम व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे समाज के आदर्श को जब हमने सामने रखा तब कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने आए जिन मुद्दों में हमारा सांस्कृतिक और परंपरागत नजरिया एक बात कहता था और हमारा आदर्श दूसरी बात कहता था। जैसे उदाहरण के लिए, हम जिस समाज में अपने संविधान के बनने से पहले रहते थे उस समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा अपने चरम पर थी और उस परंपरागत समाज में माना जाता था कि शूद्रों, दलितों या अनुसूचित जातियों के अधिकार सवर्णों के समान नहीं हो सकते। लेकिन जब हमने आदर्श चुना तो आदर्श कहता था कि सभी के अधिकार समान होने चाहिए, मानव मात्र के अधिकार समान होने चाहिए। अब हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, दो दृष्टिकोण आ गए, एक हमारा पारंपरिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और एक हमारा आधुनिक तार्किक दृष्टिकोण, आदर्श वाला दृष्टिकोण। इनमें से हम किसको चुने, ऐसा एक मुद्दा हमारे सामने खड़ा हो गया। इस रूप में यह मुद्दा कि अनुसूचित जातियों के साथ, महिलाओं के साथ हम अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात को सुने या उनके संदर्भ में हम अपने आधुनिक प्रगतिवादी रवैये को अपनाएं, आदर्शवादी रवैये को अपनाएं, इसको हमारे सामने एक मुद्दे के रूप में हमारे सामने यह उभर कर आता है और इसे हम एक सामाजिक मुद्दे के रूप में आगे पढ़ेंगे। यानी सामाजिक मुद्दों से हमारा आशय समाज के संदर्भ में कुछ ऐसे मुद्दों से है जिनमें कुछ चीजें अभी मौजूद हैं, कुछ परंपराएं हैं, और दूसरी तरफ हमको ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसके बजाय कुछ दूसरा होना चाहिए। ऐसे ही मुद्दों की जो सूची या तालिका होगी, ऐसे ही मुद्दों की जो समझ बनेगी, उन्हीं को हम सामाजिक मुद्दे कहते हैं। तो मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दे हमारे पूरे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश की बात करने वाले मुद्दे हैं जिनमें कुछ स्थितियां मौजूद हैं और अपने दृष्टिकोण के कारण हम ऐसा समझते हैं कि इसके बजाय कुछ दूसरा होना चाहिए था। अगर इसकी श्रेणियों पर बात करें इसी क्रम में कि सामाजिक मुद्दों की फिर कितनी श्रेणियां बनेंगी,
तो मुख्य रूप से हम ऐसी 7 श्रेणियों में इनको विभाजित कर सकते हैं जो हमें बताएंगी कि क्या है और क्या होना चाहिए। पहला मुद्दा होगा हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकास और रोजगार की स्थिति इसमें क्या है और क्या जो है वही होना चाहिए। क्या गरीबी है तो गरीबी बनी रहनी चाहिए, क्या बेरोजगारी बनी रहनी चाहिए, या ये हमारी समस्याएं और आदर्श स्थिति में हमको गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना होगा, सबको खाद्य सुरक्षा देनी होगी और देनी होगी तो कैसे देंगे, इस मुद्दे को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा, आप सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक मॉडल चुनते हैं समाज के लिए और पाते हैं कि जैसे उस मॉडल पर आप काम करना शुरू करते हैं कुछ वर्ग उस मॉडल से बाहर होते चले जाते, उनको लाभ नहीं मिलता। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज में कुछ वर्गों को तो महत्व मिले और बाकी वर्ग इस लाभ से बहिष्कृत हो जाएं, बाहर हो जाएं। हमको देखना होगा कि हमारे मॉडल्स में कौन से ऐसे वर्ग हैं जो प्रायः पहले सांस्कृतिक और परंपरावादी नजरिए से बाहर हो गए थे, उनको वापस मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। ऐसे तमाम मसलों को हम पढ़ेंगे। इनमें सबसे प्रमुख होगा लिंग असमानता। क्या महिलाओं को हमारे सामाजिक परिवेश से, सामाजिक लाभों से बाहर किया जाना चाहिए या इनको भी हमारे सामाजिक लाभों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास से संबंधित मुद्दे, क्या हमको अपने मानवों को जो हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा है उनको किस तरीके से विकसित करना चाहिए, क्या इनके विकास में हमको पिछड़े वर्गों पर अत्यधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या इनके लिए आरक्षण जैसे प्रावधान नहीं करने चाहिए, इस बारे में हम लोग एक समग्र चर्चा करेंगे। इसी तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा और नैतिकता सरोकार से संबंधित मुद्दों पर हम लोग देखेंगे कि हमारी चिकित्सकीय दृष्टिकोण किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारा लोक स्वास्थ्य का अपना एजेंडा कैसा होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर हम लोग आएंगे और चर्चा करेंगे कि आतंकवाद, उग्रवाद जैसी स्थितियां जो हमारे समाज में अभी बनी हुई हैं इनको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। मानवाधिकार और सुशासन के मुद्दों में, हमारे समाज में भ्रष्टाचार है लेकिन होना नहीं चाहिए, कैसे दूर करेंगे भ्रष्टाचार, क्या हमारे पास साधन है, क्या उपाय हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत से संरक्षण से के संबंधित मुद्दों में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि अभी जो हमारी पर्यावरण की हालात है जिसमें हमारे विकास के संदर्भ में हम पर्यावरण की उपेक्षा कर रहे हैं प्रायः, उसमें विकास और पर्यावरण के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, किस हद तक हम विकास के सामने पर्यावरण को छोड़ सकते हैं, हमारी नदियों की जो दशा है, हमारे पहाड़ों की जो दशा है, अवैध खनन के कारण, अवैध रूप से तमाम प्रोजेक्ट्स चलाए जाने के कारण, क्या विकास के नाम पर हम अपनी प्राकृतिक संपदा को ऐसे ही नुकसान सहते जाने देंगे और कब तक, हम इसके बीच कैसे निर्धारित करेंगे कि विकास और प्राकृतिक संरक्षण के बीच किस प्रकार का संबंध बनाया जाना चाहिए, इस प्रकार के मुद्दे पर हम लोग यहां चर्चा करेंगे। एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस चर्चा से लाभ क्या है, सिविल सेवा आपसे ये क्यों जानना चाहती। देखिए, ये वो मुद्दे हैं जो मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में आपके दृष्टिकोण को परीक्षक के सामने रख देंगे। आपके दृष्टिकोण में संतुलित अप्रोच है या नहीं, आपकी जानकारी कितनी समग्र है, आप किसी बिंदु से संबंधित मामले पर कितनी जानकारी रखते हैं, कितने घटकों की जानकारी रखते हैं, आपका दृष्टिकोण कितना लोकतांत्रिक है, इस बात को पता लगाने का सबसे बेहतर जरिया सामाजिक मुद्दे हैं। विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर में आप क्या सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप इसके बारे में नहीं बता सकते। तब परीक्षार्थी के दृष्टिकोण की अगर जांच करनी हो, कहां से जांचें? सिविल सेवा परीक्षार्थी के दृष्टिकोण की जांच करने का जो माध्यम अपनाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक मुद्दों से जुड़ता है। सामाजिक मुद्दों के द्वारा अभ्यर्थी के संतुलित और समग्र दृष्टिकोण की जांच हो सकती है। साथ साथ आपको सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं की कितनी जानकारी है, परंपराओं के बारे में आप क्या जानते हैं और आपकी परंपराएं क्या सही और गलत हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, आपकी संवेदनशीलता कितनी है नए मूल्यों के प्रति, इनको पता करने का भी सबसे बेहतर तरीका सामाजिक मुद्दे हैं जहां अभ्यर्थी की इस प्रकार के दृष्टिकोण की जांच हो सकती है। साथ साथ हमारे सामाजिक मुद्दों के बहुत सारे आयाम हैं। एक ही सामाजिक मुद्दे का एक पहलू आर्थिक पक्ष से जुड़ता है, दूसरा पहलू संवैधानिक प्रतिमानों से जुड़ता है, तीसरा पहलू किसी कानून से जुड़ता है, चौथा पहलू किसी और सांस्कृतिक नजरिए से जुड़ता है। इन सभी के बीच अंतर संबंधों की आपको जानकारी है या नहीं? अगर हम महिला के संदर्भ में दृष्टिकोण पर चर्चा करें कि लिंग समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए,
तो इसको लेकर संविधान में कुछ प्रावधान हैं, इसको लेकर कुछ कानून बनाए गए हैं, इसको लेकर हमारे सांस्कृतिक और जो परंपरागत नज़रिया है उसमें कुछ बातें कही गई हैं, इन सब के बीच अंतर संबंध कैसा है, इसकी जानकारी की आपसे अपेक्षा होती है और सामाजिक मुद्दों के द्वारा इस बात की भी जांच आसानी से हो जाती है। सामाजिक मुद्दों का अंतिम महत्व इस बात से भी निकलेगा कि सामाजिक मुद्दे आपको हर निबंध में, निबंध का एक पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, उसमें भी लाभ पहुंचाएंगे। उनके इनकी समझ के माध्यम से आप निबंध के प्रश्नों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। और अंत में साक्षात्कार, जो आपके व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से जाना जाता है, सिविल सेवा की अंतिम परीक्षा, उसमें प्रायः आपसे इन्हीं सामाजिक मुद्दों पर सवाल पूछे जाते हैं और ये जानने का प्रयास होता है कि आप में कितनी सामाजिक संवेदनशीलता है। इस रूप में पूरे सामाजिक मुद्दों का ये घटक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं विषयों पर, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे।